एजुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आप दैनिक एजुकेशन टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, IBA लास्ट प्लॉय विथ UFU टू फॉल्स सबमिट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन एंड पे टाइम टू ड्रैग केस फर्दर मोर नथिंग न्यू in it. They would do whatever they are meant to do. But our point is rather different. We are concerned about what the respected applicant retirees union do. Needless to mention that the present case at this position has assured much hope for the long-lived retirees cause. Many of us had since been much desirous that something positive may happen, may instant case appropriately dealt with. Many of us had the earnest appeal before the respected applicant retirees union to kindly engage suitable senior counsel of immense reputed to sitter the case, the desired goal reputing all notorious adjustment designed long since resigning. दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ चेन्नई ने ये सर्कुलर जारी करते हुए बताया है क्या IBA लास्ट जो रिपोर्ट है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर पाएंगे। और दोस्तों, आज तो 18 तारीख हो गया और ओनली 4 दिन बाकी है दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने में इस केस का। तो 4 दिन में, मतलब देखिए 3 महीने में भी संभव नहीं हुआ IBA को रिपोर्ट सबमिट करने में, तो 4 दिन में क्या IBA खाक रिपोर्ट सबमिट करेगा? तो दोस्तों, तो 22 तारीख का केस है वो फिर से केरला हाईकोर्ट के तरह फिर से पीछे चला जाएगा और तारीख पे तारीख रिटायरीज को मिलते रहेंगे। बहुत दुख के साथ ये बात हम बता रहे हैं आपको। और सीरियस, अगर यूनियन हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकते तो IBA DFS FM का दफ्तर क्यों हम लोगों को हेल्प करेंगे? लेकिन एक बात सही है दोस्तों, अगर FM का इंटरवेंशन इस पेंशन अपडेशन केस में हो जाए तो हमारी पेंशन भी फैमिली पेंशन के तरह अप्रूव हो जाएगी और बैंक यूनियन, वर्कमैन यूनियन, रिटायर्ड एसोसिएशन भी नहीं जान पाएंगे आज के दिन में हमारे पेंशन अपडेशन होगा। जैसे फैमिली पेंशन जब अप्रूव हुआ था, कोई भी रिटायर्ड एसोसिएशन नहीं जान पाए थे, FM मैडम ने आज के दिन में पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन अपडेशन कर देंगे। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, क्या 4 दिन में भी पेंशन अपडेशन का रिपोर्ट जमा देगा, IBA सबमिट करेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए दैनिक एजुकेशन टीवी के साथ। थैंक यू।